नेट पीजी में जल्द काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर उदयपुर में रेजिडेंट्स द्वारा आज से इमरजेंसी और आईसीयू सेवाओं को छोड़कर काम का बहिष्कार किया गया है। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में रेजिडेंट्स दूसरे दिन हड़ताल पर रहे। इस दौरान सीनियर्स ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन रेजिडेंट्स की हड़ताल से हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर एमबी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया को रेजिडेंट्स ने ज्ञापन सौंप अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की बात रखी है। ज्ञापन देते समय सचिव गालरिया ने भी रेजिडेंट्स को आश्वासन देते हुए उनकी मांगों को हाईकमान तक पहुँचाने की बात कही। हम कार्य बहिष्कार पर हैं, ओपीडी आईपीडी और इलेक्ट्रिक ओटी बंद रहेगी, बाकी इमरजेंसी कैजुअल्टी चालू है यहाँ पर। और आज हमने शासन शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिया है कि वो केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को पर दबाव बनाकर ये काउंसलिंग जल्दी से जल्दी दिसंबर में करवाने की मांग करें। उनका सकारात्मक रवैया था, उन्होंने पहले भी इस मैटर पर राज्य सरकार से बात की और ज्ञापन को आगे केंद्र सरकार तक मतलब इस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाया। हमारी मांग सिर्फ यही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो और जूनियर रेजिडेंट साथी जो अभी ये कोरोना ये केस बढ़ रहे हैं और उनकी मतलब कोरोना ये केस बढ़ रहे हैं तो आकर यहाँ पर अपना 2021 का सेशन शुरू करें। अगर केंद्र सरकार और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला जल्दी दे देते हैं कि ये फर्स्ट काउंसलिंग की डेट है या सेकंड काउंसलिंग की डेट है ये दिसंबर में, तो हमारा ये आंदोलन वहीं ख़त्म हो जाएगा और हम कार्य पर लौट जाएंगे। और मुद्दा मतलब डॉक्टर योगेश है, मैं यहाँ पे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ जो URDA है। अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो नया जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर 2021 में होना था, हमारा 2020 बैच है, 2021 में जनवरी में होना था, वो डिले होके कोविड की वजह से सितंबर में हुआ है। और सितंबर में होने के बाद अब उसकी काउंसलिंग को डिले कर दिया गया है ड्यू टू द रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि EWS वाली जो पॉलिसी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ का जो फैसला सुनाने वाली जो बेंच है उसका भी डिसाइड ये किया गया है कि वो 6 जनवरी की डेट दी 6 जनवरी 2022 की डेट दी गई है। तो पूरा का पूरा एक साल का डिले हो गया है। जो अभी वर्किंग रेजिडेंट्स हैं पूरा वर्कलोड उनके ऊपर आ रखा है, जहां 3 बैच एक साथ काम करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, अभी सिर्फ 2 ही बैच काम कर रहे हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नया जो बैच नहीं आया है तो जो 2/3 लोग ही काम कर पा रहे हैं फुल स्ट्रेंथ में, और अभी कोविड की नई वेव भी आ रही है तो उसकी वजह से हमारा पूरा मतलब जो रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव है, कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी है। तो हम चाहते हैं कि भाई इससे मतलब रेजिडेंटों का भी थोड़ा उनको भी रिलैक्सेशन मिले नई भर्ती होगी तो, और साथ में जो जनता है जो अपने पेशेंट्स हैं उनका भी नुकसान नहीं हो। कोई पेशेंट है जहाँ पे 10 वार्ड में 10 मरीज हैं, उनके ऊपर 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अभी लेकिन डॉक्टर एक ही है तो कम एफिशिएंसी कम होगी उस चीज़ की और उसका खामियाजा पेशेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ की जिम्मेदारी सरकार समझे और नई भर्ती करवाए। वैसे ही एक तो डॉक्टर्स की कमी है अपने देश में और नए डॉक्टर्स जल्द से जल्द भर्ती करवाए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करके और इसको एक इम्पोर्टेंट इशू माने।